फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। आज मैं पैलेट नाइफ पेंटिंग से एक केक डेकोरेट कर रही हूं, तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहां 2 टेबल स्पून व्हिप्ड क्रीम ले लिया है और उसमें लेमन येलो कलर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। साथ ही मैं इसमें ऑरेंज कलर की कुछ बूंदें डाल रही हूँ। ये दोनों मिक्स करने पे गोल्डन इफ़ेक्ट आता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। मैं इस तरीके के पैलेट नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड में क्रीम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ बीच में पैलेट नाइफ के क्रीम लगना चाहिए। और इस तरीके से मैं फ्लावर के पेटल्स बनाती जाऊँगी। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से बिना नोजल के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। थोड़ा तिरछा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप चिंता ना करें, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक और पैटर्न बनाना है इसी तरीके का। मैंने इसे टर्न टेबल पर नहीं रखा क्योंकि उस पर आसानी से केक घूम जाएगा। हमें इसे अपनी सुविधा के अनुसार केक बेस को घुमाते हुए पैलेट नाइफ से पेंटिंग करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक राउंड बना लिया है। अब मैं दूसरे राउंड को इसके ऊपर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसी क्रीम में मिक्स किया है, जिससे कि थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा। जिस तरीके से क्रीम को मैं प्लेट से ले रही हूँ, उसी तरीके से मैं इसके ऊपर फ्लावर भी बना रही हूँ। जो डार्क कलर से मैं बना रही हूँ इसके ऊपर, उसमें ध्यान यही रखना है कि दो पेटल के बीच से हमें पैलेट नाइफ को रखकर और खींच देना है अपनी तरफ। इसी तरीके से मैंने सेकेंड राउंड भी पूरा कर लिया है। दोस्तों, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास नोजल नहीं है, डेकोरेशन के लिए कोई भी स्प्रिंकल्स नहीं है, तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसे बनाने से पहले आइसिंग करके इस केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। आप यहाँ पे कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी क्रीम में से मैंने थोड़ा सा क्रीम अलग निकाल लिया और इसमें मैंने ब्लैक कलर टूथपिक की सहायता से ऐड किया। साथ ही मैंने इसमें मैजिक कलर का मैजिक रेड कलर ऐड किया 2 बूंद। परफेक्ट रेड कलर आ गया है। अब मैं एक छोटा सा भी फ्लावर इस यहाँ पे बनाऊंगी। मैं यहाँ छोटे से पैलेट नाइफ का यूज कर रही हूँ। इस रेड कलर से भी मैं 2 फ्लावर बना लूँगी। अगर आप इस तरीके का रेड कलर बनाना चाहते हैं तो आप इसी कलर्स को, जैसे मैंने येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया जिससे ये काफ़ी खूबसूरत रेड कलर आ गया, आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने ये डार्क कलर पार्चमेंट पेपर का कोन बनाकर ले लिया और येलो फ्लावर के ऊपर मैंने छोटे छोटे डॉट डाल दिए हैं। अगर आपके पास गोल्डन बॉल है छोटे छोटे, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या और भी कलर के छोटे छोटे स्प्रिंकल्स के बॉल हैं तो आप उसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया जिसमें 1 बूंद मैंने ब्लैक कलर डाला। अब मैं इससे लीफ बना दूँगी। आप यहाँ पे लाइट कलर के भी लीफ बना सकते हैं। इसे मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। अब मैं इस पे लाइट ऑरेंज कलर से साइड में पैलेट नाइफ की सहायता से डिज़ाइन बनाऊंगी। अब पैलेट नाइफ की सहायता से मैं इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से करती जाऊंगी। थोड़ा सा डार्क शेड मैंने लिया है इसके बाद, और उसका भी मैं डॉट डालती जा रही हूँ इसी तरीके से। इससे काफ़ी अच्छा शेड आएगा। अब इसे भी पैलेट नाइफ की सहायता से उसी तरीके से करेंगे। और ये देखिए, डार्क और लाइट शेड से कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है।
अब मैंने ऑरेंज में रेड कलर मिक्स किया और उससे मैं इस तरीके से इसका बॉर्डर बना रही हूँ। आप देख सकते हैं बिना नोजल के, बिना किसी स्प्रिंकल्स के कितना खूबसूरत केक बनकर तैयार है। तो आप भी इसे बना सकते हैं आसानी से। मैं इस पे गोल्डन डस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास गोल्डन डस्ट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो बिना डस्ट के भी आपका केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका केक कैसा बना है। थैंक यू।